चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। जबलपुर जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, ऐसे में आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसकी बानगी देखने को मिली रांची के इलाके में, जहां रांची थाने से चंद कदम की दूरी पर ही बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हुए एक दवा दुकान संचालक को घायल कर दिया और भाग खड़े हुए। रांची बाजार में सचदेवा मेडिकल के संचालक कुलदीप सिंह की दुकान पर पहुंचे दो अज्ञात युवकों ने उन पर चाकू से हमला किया। इस दौरान चाकू कुलदीप के हाथ में लगा और वह घायल हो गया। घटना के बाद कुलदीप को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं रांची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये अपने कस्बा रांची में सचदेवा मेडिकल है, इसके जो ऑनर हैं कुलदीप सिंह सरदार जी, अपने आज शाम को लगभग 7:15 बजे अपने मेडिकल शॉप पर थे। अचानक इस दौरान स्कूटी से दो सवार अज्ञात व्यक्ति आते हैं और इनसे विवाद करते हैं और चाकू मारते हैं। चाकू सरदार जी अपने जो कुलदीप सिंह जी, इनके दाहिने हाथ की कलाई में, गदेली में चोट आई है और अभी ऑब्जर्वेशन में है। यहाँ पे भंडारी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इनकी रिपोर्ट पे अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे अज्ञात आरोपियों के संबंध में उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।